केंद्रीय आम बजट के फायदे गिनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ प्रेस वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट के फायदे गिनाए। बता दें, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय आम बजट के फायदे गिनाने के लिए 9 सदस्यीय टीम बनाई है। इस टीम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये टीम 12 फरवरी तक अपने अपने प्रदेशों में जनता को आम बजट के फायदे गिनाएगी। इसी प्लान के तहत गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। सीएम ने बताया कि इस बजट से कैसे जनता को लाभ पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, उसको पूरा करने वाला बजट है। यह 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। इस बजट का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। जैसा कि सबकी जानकारी में है, 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं बजट की। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट।